घर में तो आयशा और शवेरिया है, तुम्हारा इशारा किसकी तरफ है? अम्मी आप इशारा समझ जाए ना। एहतशाम पसंद करता है आयशा को, मुझे भी बहुत हैरत हुई थी, मगर उसे आपकी परेशानी का एहसास है। अनुषे आज तक किसी ने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की, पर वो उससे मैं बात कर रहा था तो उसने मुझसे इतनी बदतमीजी की जैसे जैसे मैं उसका बॉस नहीं हूँ, वो मेरी बॉस है। नहीं बेटा मसला तो कोई नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे घर मेहमान आए हैं। तो अगर अभी ये चोट मेरी अम्मी को लगी होती तो क्या मैं उनको तेल लगा के मालिश नहीं करती? हाँ आप भी तो मेरी अम्मी जैसी हैं। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि उसे ऑफिस में अच्छा फायदा हो, इसीलिए वो सब चौंचले कर रही थी। सही कह रही है अनुषे, आप बहुत भोली और मासूम हैं। किसी के लिए इस तरह बदगुमानी पाना अच्छी बात नहीं है। रब्बा सुन ले सदा।